नमस्कार दोस्तों, CGITA मेरिट लिस्ट 2021 एडमिशन के लिए कैसे और किस प्रकार से चेक करना है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिटेल से। तो इस वीडियो जो है लास्ट तक देखते रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। CGITA मेरिट लिस्ट किस प्रकार से और कैसे चेक करना है, तो हमें दोस्तों गूगल पर जाना है, वहाँ लिखना है अपने CGITA, इस प्रकार से लिख के हमें सर्च कर देना है। जैसे सर्च करें CGITA के लिए मेन वेबसाइट इस प्रकार से खुल के आ रहा है, cgita.cgstate.go.in पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ आ रहा है छत्तीसगढ़ CGITA, इस पर हमें दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर CGITA एडमिशन जो लेने वाले उनका मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए वेबसाइट दोस्तों इस प्रकार से खुल के आ जाए CGITA की मेन वेबसाइट। मेरिट लिस्ट देखने के लिए सर्वर थोड़ा लेट है, इसीलिए दोस्तों थोड़ा लेट से खुल रहे हैं। बाकी दोस्तों आपको किस प्रकार से चेक करना है इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पेज खुलने के पश्चात हमें नीचे की ओर आना है, जहाँ दोस्तों हम यहाँ पर दिख रहे एडमिशन, तो एडमिशन के बाद दोस्तों हम यहाँ पर आना है हमें ऑनलाइन, यहाँ पर आ रहे ऑनलाइन एप्लीकेशन 2021, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करें तो CGITA मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए वेबसाइट फिर से एक बार दोस्तों पेज खुलेगा। CGITA का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर दोस्तों क्लिक जैसे ही करेंगे थोड़ा लेट में दोस्तों लोडिंग होने के पश्चात पेज इस प्रकार से खुल के आ रहे, फिर यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन 2021 पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करें ओके पर क्लिक कर दें, तो एक बार कैंसिल या ओके तो हमें ओके पर क्लिक कर देना है। ये तो इस पर आ रहा है लॉग इन न्यू रजिस्ट्रेशन फॉरगेट, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ देखना है। अगर आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालना है, उसके पश्चात जो पासवर्ड आप बनाए उसको यहाँ पर डालना है। और दोस्तों यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है, यहाँ पर दोस्तों इस कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स में फिल करके सबमिट पर दोस्तों यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है सबमिट पर। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करें तो CGITA का यानी कि जो मेरिट लिस्ट है वह खुल के आ जाए। अगर आप पासवर्ड को भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड है, फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड को जो है प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड लॉगिन करके किस प्रकार से चेक करना है, कहाँ पर आपको दिखेगा सब चीज़ आपको मैं करके मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर को डालना है। जैसे दोस्तों इस पर डालेंगे उसके पश्चात दोस्तों आपको आना है अपना पासवर्ड को इसमें डाल देना है। जैसे पासवर्ड को डालेंगे दोस्तों उसके पश्चात यहाँ पर जो कैप्चा कोड आ रहा है इसको यहाँ पर जो है फिल कर देना है। जिस भी दोस्तों यहाँ पर अगर ये स्मॉल लेटर या बड़ा लेटर में जो है लिखा हुआ है उसको यहाँ पर सेम यहाँ पर से आपको लिख देना है। जैसे दोस्तों आपको लिखेंगे इसको, उसके पश्चात दोस्तों इसको सबमिट पर क्लिक कर देंगे। चलिए दोस्तों इन सबको मैं फिल करके आगे प्रोसेस करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों इस प्रकार से अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और पासवर्ड और दोस्तों कैप्चा कोड डालने के पश्चात सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करें दोस्तों यह इस प्रकार से खुल के आ रहे हैं चयन सूची में, तो इसको दोस्तों इस प्रकार से आएगा तो हमें नीचे अगर आके यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे हमारा फ़ोटो इस प्रकार से अपना संपूर्ण डिटेल दोस्तों फिर से आ रहा है, तो हमें नीचे की ओर आना है। यहाँ पर दोस्तों पेमेंट की उसका डिटेल चेक कर पाएंगे, अपने जो है फॉर्म को जो है प्रिंट कर पाएंगे और यहाँ पर अपने प्रोफाइल को चेक कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको आवेदन जोड़ें एंड सुधार करें इस पर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मुख्य पार्ट माय अलॉटमेंट, आपका मेरिट लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहीं पर दिखेगा, माय अलॉटमेंट पर इस पर जो है क्लिक कर देना है। इसी पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने मेरिट लिस्ट बिना जो है ITI कॉलेज जाए हुए अपने खुद से जो है चेक कर सकते हैं, इसी पर दोस्तों क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरिट लिस्ट आ गया है, यहाँ पर सर्च मेरिट लिस्ट फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ स्टेटस नॉट सिलेक्टेड एप्लीकेशन नेम इन प्रकार से आपको नीचे में नाम दिखाया जा रहा है। इस प्रकार दोस्तों अपना जो है कार्ड से जो आप फॉर्म फिल किया था यहाँ पर आपको ITI फिर ट्रेड फिर जो है ट्रेड एफिलेशन फिर वो परफॉर्मेंस फिर सीट नेम, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो है सिलेक्शन हुआ नहीं है। अब अगला लिस्ट के बारे में सोचेंगे कि अगला लिस्ट में आएगा कि नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना। एक बार ऑनलाइन फिलअप कर चुके हैं तो आपको किसी प्रकार से और फिल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और जो जिनका नाम लिस्ट में आ गए हैं और एडमिशन नहीं लिए हैं उनका फिर फॉर्म भरना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों वीडियो था, इस प्रकार से अपना मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं घर से स्वयं से। तो इस प्रकार से वीडियो था, यह वीडियो आपके सभी मित्रों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।